अनगढ़ के निकटवर्ती गांव आबसर में एडिशनल एसपी जगदीश बोरा, आदर्श जाट महासभा के जिला अध्यक्ष धर्मेंद्र केलका, छापर थाना अधिकारी तस्वीर ने फीता काटकर परंपरागत गिंदड़ नृत्य का शुभारंभ किया और ग्रामीणों के साथ गिंदड़ का नृत्य भी किया। सभी अधिकारियों ने चंग बजाकर व गिंदड़ नृत्य करके कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस अवसर पर एडिशनल एसपी जगदीश बोरा ने कहा कि होली का पर्व आपसी सौहार्द व भाईचारे का प्रतीक है, अतः सभी इसे सौहार्दपूर्ण माहौल में मनाएं। उन्होंने कहा कि शेखावाटी का गिंदड़ नृत्य आज भी अपनी अलग पहचान हुई है और भाईचारे की जीती जागती मिसाल है। सुजानगढ़ के घंटाघर चौक पर गंदे पानी के भराव की समस्या से आक्रोशित होकर व्यापारियों ने दोपहर में सड़क जाम कर दी, जिसके कारण वाहन चालकों और आम लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। व्यापारियों का कहना है कि घंटाघर के पास आए दिन नाले और फ्लो होकर गंदा पानी रास्ते पर आ जाता है, जिससे व्यापारियों को काफ़ी परेशानियाँ होती है। ग्राहक दुकानों तक नहीं पहुँच पाते। टूटी सड़कों के कारण पानी गड्ढों में भर जाता है, जिससे कई बार राहगीर भी गिरकर चोटिल हो जाते हैं। हालांकि जाम के दौरान पैदल राहगीर बंद करने वाले व्यापारियों से जिद बहस करते नजर आए। काफी देर बाद मौके पर तहसीलदार गोविंद राम बगड़िया, नगर परिषद के सहायक अभियंता दिलीप सिंह आदि लोग मौके पर पहुंचे और लोगों को समुचित कार्रवाई का आश्वासन दिया, जिसके बाद जाम खोलने पर सहमति बनी और मामला शांत हो सका। दूसरी ओर पार्षद शर्मिला सोनी ने नगर परिषद आयुक्त को ज्ञापन भेजकर शहर के मुख्य बाजारों से पानी की निकासी की समुचित व्यवस्थाएं करने की मांग की है। प्रदर्शन के दौरान किशनलाल शर्मा, कपिल शर्मा, अरविंद सहित अनेक लोग मौजूद रहे। यानी 12 महीने जब से सीवरेज का काम चला है, तब से 365 दिन इस रोड पे जो घंटाघर गांव की नाक है, स्टेशन रोड है, इसके 50 मीटर एरिया में पानी भरा रहता है। नंबर एक बात। नंबर दो बात, जब भी नगर परिषद के चेयरपर्सन, नगर परिषद के ईओ से बात की जाती है, तो उन लोगों का सीधा सा जवाब 2-3 बार तो मेरे पास ये आया, आप विधायक जी के पास जाओ, ये सीवरेज का काम है, ये पानी का काम है, ये वाटर वर्क्स वालों का काम है। मैंने जब इस बारे में विधायक जी से बात की तो उन्होंने एक बहुत बड़ी बात बताई मेरे को कि सुजानगढ़ की पानी निकासी के लिए और सुजानगढ़ की सड़कों की व्यवस्था सुदृढ़ करने के लिए विधायक मनोज मेघवाल ने करीब करीब 16 करोड़ रुपए यहाँ अलॉट कर दिए। उसके बावजूद इस गांव की, इस घंटाघर जो गांव की नाक है, ये मेन सड़क स्टेशन रोड की, उसकी इतनी गंदी दुर्दशा शायद इससे पहले किसी राज्य में न हुई न होगी। होली के अवसर पर शहर के मुख्य बाजारों से होकर होली की बंदोरी निकाली गई, जिसके तहत बाबा अखंडानाथ सेवा समिति लोहारागाड़ा की ओर से यह आयोजन किया गया। लोहारागाड़ा से बंदोरी रवाना होकर स्टेशन रोड से होकर गांधी चौक, घंटाघर आदि स्थानों से होते हुए गुजरी, जिसमें सैकड़ों की संख्या में लोग नाचते गाते हुए फागुन के रशियों की तरह चल रहे थे। महंत गणेशनाथ महाराज को रथ पर सवार होकर बंदोरी में शामिल किया गया, जबकि होली के परंपरागत स्वांग लोगों ने सजाए और घोड़ों पर व ऊंट पर झांकियां भी सजाई गई। दूसरी ओर योगी आदित्यनाथ की बुलडोजर बाबा वाली झांकी भी आकर्षण का केंद्र बनी थी। सुजानगढ़ पंचायत समिति परिषद में होली स्नेह मिलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें धन्नाराम एंड पार्टी के कलाकारों ने धमाल पर प्रस्तुतियां दी। इस अवसर पर ग्राम विकास अधिकारी जीवन राम नेहरा, जुगल किशोर, मनोहर लाल, पंचायत प्रसार अधिकारी रामानंद पलवाड़िया, घनश्याम भाटी, ठाकुरमल कताला, लेखाधिकारी माणकचंद, लक्ष्मीपत सोनी, रामदन, सरदाराम, भंवरलाल सियाग, सरपंच हरदेवाराम, करणी सिंह सहित बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे और सभी ने एक दूसरे को गुलाल लगाकर होली खिलाई तथा होली की धमालों पर नृत्य किया।